भाई और राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में कौन सा काम है? सीख गांव सीख गांव में और सीख सुबे सिंह सांगी के पास। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, सुबे सुबे सिंह जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ, और सुनारिया गांव से उमेद सिंह। उमेद सिंह जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम जी, राम राम। सुबे सिंह जी, हाँ जी, आपके गुरु का नाम? धनपत सिंह जी। धनपत सिंह, गांव निजाना, संगी संगी। और आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी के नाम छोटा धंडू, गांव सिंह। वो भी कवि थे? हाँ, कवि राज जी। हाँ, चलो, राय साहब के साथ आपने काम किया होगा? हाँ, 8-9 साल रहा जी। 8-9 साल रहा। श्याम प्यारे बनवारी, हम एक छोकरा चाणक का था। चाणक था, चंदन था, मदानिया मदानिया। घना बढ़िया सांग आपके टेम में, क्योंकि राय साहब की मैंने न्यू सुनी है, शुरू में जो सांग करे वो बाद में नहीं करे ना। ना शुरू का दौर में कुछ और कर गए, जैसे अंजू मनारा बाद में नहीं करा, पहले कर गया ना, पहले। और बादल, बादल भी, और एक आध और बता दो जो खुरे हैं। देखो, बादल भी मेरे मेरे जाया पीछे बनिया। हाँ, सूर्य चांद, चांद सूरज मेरे जाया पीछे बनिया। ये दहेज के बारे में बनाया, दहेज के बारे में था। हाँ, है जी। हाँ, अच्छा, फिर लीलो चुमन मेरे जाने के बाद बनिया। हाँ, है। हाँ, और पहला सांग थे उसके बणदेवी, बणदेवी ज्ञानी। हाँ, गोपी चंद। हाँ, रंजा हीर। हाँ, अम्ब। हाँ, रूप बसंत। हाँ, और ये तो जमाल, जमाल जमाल रामल जमाल फिर बना था जमाल। अच्छा जी, ये आप मेरा प्रश्न सुनो। ये बगला, हाँ सुनाओ। घना रीज का जब उमंग में भर जाता, घनी पब्लिक हो जाती है, डाठनी भी है। हाँ, और 2-4 VIP आदमी आ रहे हो, इन कौन सा सांग, वो सांग बताओ जिसने रीज का करा। देखो, सारे सांग उसके अच्छे थे, फिर न्यू भी कर दिंदी सारे डाल के होया कर सांग कर दिया। से पहले तो गदनाए का सांग स्याही मनिया रहा था। देखो, धर्मगढ़ शहर के बीच में राजा धर्म सिंह, जिसके 4 लड़के, बड़े का नाम फतेह सिंह, छोटे का नाम जगभानु सिंह, एक का नाम फूल कवार, सबसे छोटे का नाम रतन कवार नाम। ओ, ये पूछा करता राजा सब पब्लिक से, क्या हो रे, आप किसके कर्म का खाते हो? अपने लड़कियों से भी, पब्लिक से भी, पब्लिक से किसके कर्म का खाते हो? सब पब्लिक के लोग, जनता ये कहते के मारा तेरे कर्म का खाते हैं, आपके भाग का खाते, आपका भाग के खाते हैं। तो एक दिन अपने लड़कियों को पूछ लिया, और तीसरा लड़का बोला, पिताजी तो हमने भी रोजाना पूछ लेते हो, और पब्लिक को भी, वो छोटे रतन कुमार को कभी नहीं पूछते, ना पूछते किसके भाग का खाओ, उससे नहीं पूछते तो किसके भाग का खाते। अगर छत बुला के लाओ, अब बुला के उसको ओ आया दरबार में, अगर पिताजी बुला रहे हैं, आने के दरबार में आने के बोले, जय जय राम पिताजी, आज किस लिए आपने बुलाया? बुलाया मैं, शादी शुदा था, कवारा था? नहीं, कवारा था। हाँ, शादी शुदा। आप किस लिए याद किए पिताजी? भाई एक बात बतलाओ रतन कवार, क्या बात, आप किसके कर्म सा खाते हो? वो बोला, पिताजी मैं सुनता हूँ, तुम पब्लिक ने भी तंग करते हो, हमारे से पूछो, सारे हमारे से भी है, तो ये तो बाप का पूछना बहुत गलत है। बोला, कैसे गलत है? छोम आ गया राजा, छोम आ गया लड़का था, कैसे गलत है? बोला, ऐसे गलत है, भगवान जन्म देता है, कर्म भी वो ही देता है, मैं अपने कर्म का खाता हूँ, मेरे कर्म का मैं नहीं खाता, तेरे कर्म का तुम खाता है, अपने कर्म का मैं खाता हूँ। बाप बेटे जिद्दी, बोला, देखो, जे ये कहोगे मेरे कर्म से तेरे कर्म का खाता हूँ, पिता राज गद्दी के मालिक हो गई, और जैनू कहोगे मैं अपने कर्म का खाता हूँ, तो 12 साल का दिशोटा हूँ, ये दिशोटा मंजूर है, ठहर मेरी बात सुन, अके जो सच्चे बंदे हों से
वो जो सच्चे बंदे हो से हर का ध्यान चाहिए सै पिता मन क्या है कि परवाना हो सर भगवान चाहिए और चाहिए ठीक जवाब दिया जो सच्चे बंदे हों सर का ध्यान चाहिए से पिता मने क्या है कि परवाना सिर भगवान चाहिए से चित प्रेम बीच भेजूंगा मैं तन पर दुखड़ा खेजूंगा पर जोड़ी करके दे दूंगा उसर का दान चाहिए से ओ तो सबने वैसा दिता जिसा जल पान चाहिए जिसा मान जिसा चाहिए उसा दे कण कीड़ी मना थी बिल्कुल फिर कया मारा तेरा ठीक साधा से क्यों तेरा काल आन गज्जा से और तू इस नगरी का राजा से ना गर्व को मान चाहिए कना ना बाबू मैं बेटे का ना अभिमान चाहिए से जो सच्चे बंदे हो सर का ध्यान चाहिए से मैंने क्या है कि परवाना सिर भगवान चाहिए घमंड अच्छा ना होता घमंड अच्छा नहीं होता फिर कहा तेरे तो सच्चा भेद बताया पिता के ना तेरी समझ में आया और पिता ने लाल खंभ करवाया धरना कुछ नहीं पिता ने लाल खंभ करवाया धरना ध्यान चाहिए से और जैसे हिरणा कुछ के प्रहलाद इसी संतान चाहिए हर को मानने वाला मेरी बात में धोना तने ईश्वर ने दी दिया रोना राड लुच्चे गुंडे को न्या सच्चा ज्ञान चाहिए से जो धनपत जमुआ का चेला उन्हें ठीक में जान चाहिए क्या बात है सच्चे बंदे सर का ध्यान चाहिए से हमें क्या है कि परवाना सिर भगवान चाहिए ठीक बात ओ अब चला जाता है 12 साल का जी सोटा ले गए और आ जाता है रनवास में आए क्या बोला अब हम लोग दास कैसे हो आकाज मैंने ऐसे जाना पड़ेगा बनवास 12 साल का अरे तन कबार ऐसा नहीं करया करता बोले नहीं जवान होती है इंसान की या लगत मार रेल की रेल बोलना के बोल रागनी बोल बोल रागनी कैसे भरेंगे जैसे रेल के डिब्बे भरते अच्छा हाँ जी जैसे साकली साकली रेल के डिब्बे वो न्यू बढ़िया बीच में जो होना बीच में साकली ऐसे बोलूंगी मेरी क्यों मेरी भाभी करे खराबी क्यों मेरी भाभी करे खराबी देरी दबी एले तबी चला शराबी छोड़ में बाबी बनो बास में प्यार हो मेरी किस्मत पर लाचार हो कौन खुद आप मेरा दिल धाप मेरा लिए थाप मेरा जप जाप मेरा ओ बाप मेरा इंसाफ मेरा कितने बोल एक कली में फिर बोलियो तेरा बालक देवर तेरा बालक देवर बिरजा घना मेरे पैछो में बजरा घना मेरे पैछो में बजरा कौन दिल ताप मेरा दिए थाप मेरा जप जाप मेरा ओ आप मेरा खुद बाप मेरा इंसाफ मेरा उस मालिक के दरबार हो जड़न्याकारी करतार होरी क्यों मेरी भाभी करे खराब चरुकले चचे बोल के चरुकलियम न्यू है हाँ न्यू चचे बोल की लगनी येरी कली मने लिया मान पिता का कहना हाँ न्यू बोलो मने लिया मान पिता का कहना चाहे हथियार दे रो पन्ना मैं क्यों कर कट जा सत पे डट जा क्यों कर मिट जा किस तरह हट जा उल्टा नट जा दबा पलट जा उस परमेश्वर की मारो मेरी दुनिया में धक्कार हो क्यों मेरी भाभी करे 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 तम छोड़ दी 16 राशि पत्थर मैंने अपनी किस्मत आजमावन खातर के कर
छोड़ा कुंभा घर सनाता तादर से क्या काटर से चुकरमर से पंदासर से जिस पर से पर औजारे बाजार हो मेरा सब साथी संसार हो जो मेरी बाबी करे खराबी खराबी जमुना दास धर्म का जंग तने दिया चढ़ा चढ़ा कवर पर रंग मैं कडू बंगने कशके तमने न्यारे डंगने इस सत्संग ने नए नए रंग ने और उस धन पश्चिम ने रोज सांग की कार हो कया कर कुछ साध भाज की तार शुभ सिंह जी बताऊं चाहे कि मैं बताइयो चाहे ना यो है ना यो कैसा मैं पूरा ही मान लूंगा एक रागनी है इसमें सीढ़ी सा अपने बेर बेरानी पर या होने दे और चे बताइयो चे ना या जरूरी है मेरे लिए और रंग भी वो हो जो राय साहब लिया दे रंग दूसरा नहीं हो मन्ने दूसरा नहीं गाया जो ओरिजिनल गायर थे पुराने आदमी मेरे पिताजी के थोड़े सांग नहीं हो आगर दे मेरे पिताजी के और दो सांग कया करता भाई बनवारी के राम सिंह डाकू और राजा अशोक श्याम रमन न्यारे पाटी मेरे पिताजी ने बनाए थे जंगी बहादुर और दीपक और शिवमी अच्छा ये मेरे पिताजी के श्याम के पास अच्छा बना के दिए थे तो या सुन रुकूण गे शास्त्रे धर्म कर्म ते कौन अटने लग्या रे रसी सपनी वीर बराणी ते कौन अटने लग्या रे धर्म कर्म ते कौन अटल लग्या रे सिंही सपने वीर दराणी पे पता कौन टटन लग्या रे अरे वहां सच मार दिए रंग है रंग मैं बता दूं धन प्रकाश ली हाँ देख सुन टकली रावण तकली रावण ने आ जाएगी मैं धर्म कर्म से कौन अटन लग्या सिंही सपने वीर बराणी पे कौन डटने लग्या रे बावड़ी कौन डटने ये वेद शास्त्रे धर्म कर्म से कौन अटने लग्या रे सिंही सपने वीर बराणी पे कौन डटने लग्या रे कौन डटने लग्या रे रविंदर शशि मिले आपस में वहींद्र शशि मिले आपस में कब द कमाई थी मुर्गा बन के बोल बेपर ने दुखी ठाई थी जित गंगा सोवे नगन उगाली वालक शर्माई थी बीजी दुखी दई मार चांद के हर लागी स्याही तीर चांद के लागी स्याही थी उड़े इंद्र जी का मान घटिया कौन घटने
कौन डटने लग्या रे बावली, कौन डटने लग्या रे। एर कुद ब्राह्मण की थी बेदवती, एक कुद जिद की है कुतल कुतल। अर द्रौपद पहुंची थी बरात रूप है, दसी लाई थी पर किचक ने ली देख उतने लगी अंगाई थी। ओ बोलिया मेरी बहु बने मैं यत बात सुनाई थी, एक दिन भीम बलि ने भी बेरा पट जावा बुझा उठाई थी। उड़े एक सोच है कहा नाम मिटा, मुँह कौन मिटन लगिया रे। सीनी सपने वीर बरानी पे कौन मिटन लगिया रे, कौन मिटने लगिया रे। एक कुद ब्राह्मण की थी बेदवती, परवा तकली रावण ने बन में तपकी की सप करके वाणी चकली रावण ने चकली के बोली जन्मती दूसरे में मारूंगी करी बेकली रावण ने। वा जन्म तीसरे में बंदी सीता घर रख ली रावण ने। फिर भी सब जाद ससी चकती नू कौन कटन लग्या रे। सीनी सपने वीर बरानी पे कौन डटन लग्या रे। मैं जहर मंगा के खाऊंगा तेरा भोजन खान ते, मत कुए मैं पड़ के मर गया तेरे दूर आने ते। पर मैं मिल के राजी को न्या तेरे कैसी डाने ते। यूदन पचंग राजी रहे चौबीस घंटे गान ते। येरा राम टोक ते सब पटोक गान ते कौन नटन लग्या रे। सीनी सपने वीर बरानी पे कौन डटन लग्या। बहुत बढ़िया गेल गेल है न। एक कमेंट की बात है, राय साहब सांग शुरू कराया कर दे तो कई बनु सुना के दन पत हो गया। हाँ। थोड़ा हाँ लेट आया कर दे। हाँ। अच्छा जा तक कहे है के दन पत हो गया। हाँ। और फिर तू उसकी आदत एक थी। हाँ। जिस टाइम पहले तो साधन दे तन दे स्टेज पे फिर हम नाचने जानते फिर घूमन जाया करता घूम के और फिर सांग मानता। हाँ। तो साजन के छोरे भजन भुजन भी गाये थे। हाँ। जब आया करता फिर हाँ। के छींटे ला के तकत के तले बैठ के फिर तकता फिर जाया करता। अच्छा नु कह है भेंट एक एक पकवा करदा कठे कवा करदा ना कठे भी कह देंगे फिर नेरे नेरे कह कर। चलो टाइम की कमी हो जब कठे कह दे टाइम की कमी हो और टाइम ज्यादा हो। हाँ। तो फिर नेरे नेरे कह दे के दूसरा कदे ऐसा सीन बैठे हो घणी पब्लिक हो किसी मंत्री की हो और किसी की हो ना डटी हो या सांग की हो और राय साहब ने डटी हो आपने ऐसा सीन देखा कदे। हाँ पब्लिक में शोर हो जा दंगल पार्टी जा भैया ये कया करता हूँ सिट्टी रखा करता सिट्टी बजाई ठहरो। अच्छा सुबह शाम बस वो ठहरो इसी थी जिसा चिड़िया में डरा फेंक दिया। ऊंचा बोल सुधा न्यू के न्यू बैठ जा कर दे। अच्छा अच्छा बोली रेत की बोली कर 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 पेशाब कर दे कया करते दंगल में पाठ के जहाँ दंगल में उठा नहीं करते तो सांग होता उठा नहीं करते लोग उसके सांग में। अच्छा उड़े बाथरूम करना हो तो उड़े कितना आस पास घूमे क्या बात है के लाल के लाल ल्या माई या गोपी चंद में से ल्या माई देना भिक्षा गाल के लाल ल्या माई।